एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया चल रहा है। आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, घर पर हैं और सेफ हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सरस्वती पूजा स्पेशल मेकअप लुक। तो इस लुक को पूरा देखिएगा और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, सबसे पहले मैंने स्किन को प्रेप किया था, मैंने रोज़ वाटर अप्लाई किया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया और यहाँ पर मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर के लिए मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइमर है। प्राइमर को अच्छे से ब्लेंड कर ले। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये फाउंडेशन जो कि है सिर्फ 100 रुपीज़ का, L18 का फाउंडेशन है और इसमें मेरा शेड है कोरल। तो ये फाउंडेशन आपको बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देता है, ये मीडियम कवरेज देता है। तो अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा कवरेज चाहिए ना तो आप मेबलिन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत लाइट कवरेज चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का कंसीलर। ये कंसीलर ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छी है, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो प्लीज़ इसे यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, बहुत जल्दी ड्राई कर देता है और बहुत ब्लेंडिंग में थोड़ा सा ये वक्त ले लेता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से कंसीलर को हम ब्लेंड कर लेंगे और यहाँ पर फटाफट से मैं ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पर करना पड़ रहा है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर ओलिविया का पैनकेक। अगर आप डे मेकअप कर रही है ना तो इसका यूज़ कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये ऑल डे स्टे करता है आपके फेस पर। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर यूज़ करें। तो यहाँ पर मुझे जहाँ पर थोड़ा थोड़ा कवरेज और चाहिए वहाँ पर मैं इसे अप्लाई करूँगी और यहाँ पर अगेन मैं अच्छे से ब्लेंड करती जाऊँगी। तो यहाँ पर फटाफट से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये ड्राई ना हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये मेबलिन का कॉम्पैक्ट और अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पर। तो यहाँ ये कॉम्पैक्ट ना आपको थोड़ा सा अच्छा कवरेज भी देता है, तो इस वजह से मैं इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने आईब्रोज़ की तरफ और आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर और इसकी हेल्प से अच्छे से हम अपने आईब्रो को डिफ़ाइन करेंगे। आप पीछे से स्टार्ट करें और धीरे धीरे आगे की तरफ आएँ, छोटा छोटा स्ट्रोक लें और उसके बाद अच्छे से आप इस तरीके से स्पूली की हेल्प से अच्छे से उसे ब्लेंड कर दें। उसके बाद आप देखोगे ना कि बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है, कहीं पर भी ज़्यादा कम ऐसा कहीं पर कुछ दिखता नहीं है। तो दोनों आईब्रोज़ को मैं अच्छे से डिफ़ाइन कर लूँगी और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने फेस मेकअप की तरफ जो कि थोड़ा बहुत हमें करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा, आज हम यूज़ करने वाले हैं ये हिलेरी रोडा का पैलेट जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, अफोर्डेबल होने के साथ साथ अच्छा भी है। तो आज पूरा फेस मेकअप इसी की हेल्प से हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने शुरू किया है ये आई मेकअप से, तो इस तरीके से मैंने आई शेडो को फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करना शुरू किया है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करने में। तो मैंने पहले यहाँ पर ये डार्क ब्लू कलर जो है उसे अप्लाई कर लिया है अपने आई लीड पर और उसके बाद ना मैं एक कंसीलर लूँगी और देन सेंटर पर अप्लाई करूँगी। तो उससे पहले हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छे से मैंने आई शेडो को ब्लेंड कर लिया है और अपने सेंटर पर मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एंड देन उसके ऊपर अप्लाई करूँगी ये डार्क गोल्डन कलर का आई शेडो जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है यहाँ पर। तो सेंटर पर मैंने उसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड साथ ही साथ मैं उसे अच्छे से ब्लेंड भी करूँगी और ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर ब्रश की हेल्प से मैंने अच्छे से सबको ब्लेंड कर दिया है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है ये L18 का काजल जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ का है और काजल को अच्छे से अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं एक ब्लू काइंड ऑफ आई शेडो पिक करूँगी एंड देन अच्छे से उसे ब्लेंड करूँगी और काजल और आई शेडो को मैं अच्छे से मर्ज कर दूँगी और यहाँ पर ये ब्लू वाला आई शेडो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉन्टोर करेंगे। कॉन्टोर के लिए सेम पैलेट से मैंने यहाँ पर ब्रोंजर पिक किया है और ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं यहाँ पर अपने नोज़ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर कॉन्टोर करने के बाद थोड़ा सा मैं अपने चीक को भी कॉन्टोर करूँगी और ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं कॉन्टोर कर लूँगी। देन यहाँ पर ब्रश को मैंने इस तरीके से अच्छे से पकड़ कर
और जो भी था ना उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर दो आपको ब्लश दिखेंगे जो कि मैं यहाँ पर, ये एक शिमरी है एक मैट है, तो यहाँ पर मैंने मैट वाला पिक किया है और अच्छे से अप्लाई किया है। ब्लश अप्लाई करने के बाद ना यहाँ पर मैं हाइलाइटर लूँगी। ये वाला हाइलाइटर थोड़ा सा चंकी है लेकिन आपको अच्छे से अप्लाई करना है, आपको अच्छे सा टेक्निक आपको पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है, तो ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छा दिखता है। तो आप जब भी ये वाला पैलेट यूज़ करें ना तो उसमें जो भी ये आपका हाइलाइटर है उसे अच्छे से पिक करें, अप्लाई करें। आप कोशिश करें कि उसे बहुत ज़्यादा ब्लेंड करें, जितना वो ब्लेंड होगा वो उतना अच्छा दिखेगा। और उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से उसे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दें, उसके बाद चंकी पार्टिकल्स जो है ना उसके वो कम हो जाएंगे, वो नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ मस्करा जो कि है फेसेस का मेरा फेवरेट, हमेशा मैं इसे ही अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मस्करा अप्लाई कर लिया है लोअर आई लैशेज़ पर, अपर आई लैशेज़ पर। मस्करा अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं फॉल्सी भी अप्लाई करूँगी और आईलाइनर भी मेरा बचा हुआ है तो यहाँ पर आईलाइनर अप्लाई कर लेंगे और फॉल्सी भी अप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है ब्यूटी पीपल की जो कि है रेड कलर की, लेकिन ये वाली लिपस्टिक मुझे पसंद नहीं आई तो फिर मैंने इसे चेंज कर दिया और इसके जगह पर मैंने दूसरा फिर लिपस्टिक अप्लाई किया। तो आप मुझे बताइएगा कि ये वाली लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लग रही है या वो वाली, मतलब पहले जो मैंने लगाया था वो वाली या अब जो लगा रही हूँ वो वाली। तो मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने इसलिए लिपस्टिक का कलर चेंज कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा वो रेड रेड दिख रही थी ना इसलिए मैंने उसे चेंज कर दिया। ओके तो यहाँ पर बिंदी से मैं इस लुक को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ये ब्लू बिंदी लगा लिया है और देन मैंने इयररिंग भी पहन लिया है। इयररिंग मैंने ये वाली पहनी है, ये आपने पहले भी देखी होगी। उसके बाद मैंने अपने बाल को अच्छे से खोल दिया है और खोलने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने बाल को अच्छे से जूड़ा बनाकर भी देखा कि वो कैसा लग रहा है, तो दोनों अच्छा लग रहा था। आपको जैसा मन आप वैसा कर सकती हैं, ये वाला भी या वो वाला भी ट्राई कर सकती है जैसा आपको अच्छा लगे। तो बस यही थी मेरी फाइनल लुक, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे की वीडियो आप इंजॉय कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।